दोस्तों, आईटी नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम सीखे थे कि विंडोज सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर में ADDS मतलब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्वर को ऑन करता हूँ। देखिए, हमने कल इंस्टॉल किया था विंडोज सर्वर 2012, तो हम इस पर करते हैं पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। तो हम इसको ऑन करते हैं। मैं चाहता तो मैं इसे ऑन करके पहले से ऑन करके रख सकता था, लेकिन मैं आपको पूरा सिखाना चाहता हूँ A to Z कैसे क्या क्या करना है, उसीलिए मैंने इसको शुरू से ऑन करके आपको बता रहा हूँ। तो ये सिस्टम ऑन हो रहा है अभी, ठीक है। तो अब देखिए पावरिंग ऑन हो रहा है। तो जब भी ये आ जाएगा, अगर आप वर्चुअल मशीन VMware में काम कर रहे हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कल एक शॉर्टकट भी बताऊँगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए ये आ रहा है ना, सेंड कंट्रोलर वर्चुअल मशीन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल लीजिए। तो यहाँ पर डालिए CI, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखिए लॉगिन हो गया। तो आज हम सीखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। देखिए, जब भी ये लॉगिन होगा, जब भी ये रिस्टार्ट ऑन होगा, तो ये देखिए डैशबोर्ड लोड हो रहा था। अभी देखे थे कुछ यहाँ पर लोड हो रहा था। तो इसको कंप्लीट होने के बाद ही आप सब चीज़ जो भी आपको इंस्टॉल करना है, रोल फीचर्स कुछ भी, तो उसके बाद ही शुरू करें आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर टूल्स में आते हैं। तो टूल्स में देखिए यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी कुछ इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एड रोल एंड फीचर्स में क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है बिफोर यू बिगेन क्या क्या होना चाहिए, एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लिया था। फिर बोल रहा है नेटवर्क सेटिंग सच स्टेटिक IP एड्रेस आर कन्फिगर। तो हमने स्टेटिक IP एड्रेस अभी कन्फिगर नहीं किया था, हमें दोबारा जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने शुरू से सब कुछ आपको बताया। तो मैं इसे बंद करना पड़ेगा और हमें इसमें एक स्टेटिक IP सेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसका जैसे ये नेटवर्क जो हम चेंज करें उसका कमांड है ncpa.cpl, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेटवर्क या इंटरनेट में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, TCP/IPv4 एड्रेस में जाएंगे और इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और एक स्टैटिक IP डाल लेते। तो हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल लेते हैं, 192.168.1.10 रख लेते हैं, ठीक है। और इसी IP को हम DNS में भी रख लेते हैं, इसलिए यही हमारा फॉरेस्ट मेन डोमेन 168.1.10, ठीक है। ये चीज़ आ गया, ठीक है, इसको हम ओके कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। हम अपना IP चेक करने के लिए कमांड में जाके चेक कर सकते हैं IP config। तो ये देखिए IP आ गया, ठीक है, 192.168.1.10। अच्छा, और एक चीज़ बताना था, जब भी आप अपने ADDS इंस्टॉल करेंगे तो अपना इसका कंप्यूटर नेम चेंज कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर नेम चेंज करने के लिए आपका कमांड है sysdm.cpl। ये कमांड आप लिख लीजिए कहीं पर भी, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब जो माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं वहाँ पर आप चले जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया। तो हमें कंप्यूटर नेम चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कंप्यूटर नेम रख लेते हैं। तो हम रख लेते हैं, हम लिख देते हैं इसमें एडमिन, ठीक है। अब अपने हिसाब से कुछ तो हम लिख देते हैं, चलिए सर्वर एडमिन लिख देते हैं, सर्वर एडमिन कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हम ओके पे क्लिक करते हैं। जब भी ये ओके पे हम क्लिक करेंगे तो हमें देखिए रिस्टार्ट के लिए पंप करेगा। तो हमें एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता तो मैं ये सब पहले से चेंज करके कर सकता था, लेकिन मुझे आपको पूरा सिखाना था, फिर मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। तो हम इसे रिस्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए ये रिस्टार्ट हो चुका है। आप मेरे वीडियो को शुरू से एकदम देखिए, एक एक कोई स्किप मत कीजिए। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ सिखाऊंगा जो आपको रियल वर्ल्ड में बहुत फ़ायदे देंगे, तो आप देखते रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए रिस्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको दोबारा बताया था कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल डिलीट प्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। हम आप लॉगिन कर लेते हैं, इसको लॉगिन कर लिए। अब हमें इसमें क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। तो देखिए सर्वर मैनेजर अभी लोड हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। देखिए जब तक ये लोड कंप्लीट ना होगा तब कुछ मत इंस्टॉल कीजिएगा। तो देखिए लोड हो रहा है अभी सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, इसको लोड होने दीजिए, तब तक मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए अब कंप्लीट हो चुका है। तो हम एड रोल एंड फीचर्स में आ जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जाते हैं, देखिए तो हमने क्या किया है, हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर चुके थे पहले कल, अब हम स्टेटिक पासवर्ड, स्टेटिक आईपी भी सेट कर चुके हैं, और इसमें बोल रहा है कि द मोस्ट करेंट सिक्योरिटी अपडेट अब होना चाहिए, जो सिक्योरिटी पैच जो होते हैं तो अपडेट है हमारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रोल बेस्ड ऑन फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, तो हम रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो रिमोट, ये है रिमोट डेस्कटॉप सर्वर इंस्टॉलेशन, रिमोट डेस्कटॉप में कहते हैं इंस्टॉल रिक्वायर्ड रोल फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप, तो हमें वर्चुअल नहीं कर रहे हैं, हम लाइव कर रहे हैं जो सिस्टम हमारे यहाँ पे है, तो हम करेंगे रोल बेस्ड भी और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम पूछ रहा है सिलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, तो हम एक जो सर्वर था मेन हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम सर्वर एडमिन का नाम था, आईपी एड्रेस हमने जो भी मैनुअली रखा था 161.10, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सर्वर 2012, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे हमें अब क्या इंस्टॉल करना है, हमें इंस्टॉल देखिए हमें बहुत सारा एक्टिव डायरेक्ट सर्टिफिकेट, एक्टिव डायरेक्ट डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्ट फ्रीडम सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी लाइटिंग सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजर, एप्लीकेशन सर्वर, DSCP, DNMS, फैक्स, हाइपर वी, नेटवर्क पॉलिसी, प्रिंट डॉक्यूमेंट, रिमोट एक्सेस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, वॉल्यूम एक्टिवेशन, वेब सर्वर, विंडो डिप्लोमेंट, WDS, विंडो सर्वर एसेंशियल सर्विस, विंडो सर्वर अपडेट सर्विस। तो हमें क्या इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, ADDS, तो हम इसमें चेकमार्क करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आप चेकमार्क करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्या फीचर्स ऐड करना चाहते हैं ADDS में, तो हम इसमें ऐड फीचर्स में जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ADDS स्टोर अबाउट योर ऑब्जेक्ट नेटवर्क, मेक देयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल यूजर नेटवर्क एडिशनल ADDS यूजर डोमेन कंट्रोल टू गिव नेटवर्क यूजर एक्सेस टू परमिटेड रिसोर्स एनीवेयर टू द नेटवर्क थ्रू द सिंगल लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक सिंगल लॉगिन प्रोसेस, आप कहीं भी डोमेन से आप कोई भी प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सेव हो जाए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट रहने दीजिए, ये होना भी चाहिए, और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ADDS में ये सारे चीज़ें, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है रिस्टार्ट रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक, तो रिस्टार्ट होने दीजिए, ये इंस्टॉल पे हम कर देते हैं। तो देखिए ये सारे चीज़ अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो आप देखते रहिए। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देता हूँ, तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि फीचर इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर प्रमोट द सर्वर डोमेन करना, तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है। फिर बोल रहा है एड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, तो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट भी नहीं है, तो हम एक नया फॉरेस्ट बनाते हैं, तो एड ए न्यू फॉरेस्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई अपने हिसाब से, मैं लिख देता हूँ india.com, ठीक है, INDIA india.com, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ डोमेन कंट्रोल ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज बता रहे, जो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल है और फॉरेस्ट नहीं सॉरी डोमेन फंक्शन है, ये होता है कि जैसे आपके पास AD है 2012, और आपके पहले इससे पहले कोई भी सर्वर है 2008 है, ठीक है, इसमें आ रहा है 2008 है, 2008 R2 2008, तो हमारे पास तो 2008 है नहीं, अगर हम आप चाहते हैं तो 2008 यहाँ रख सकते हैं दोनों, अगर आपके वहाँ पे 2008 है, तो हमारे पास 2008 है नहीं, और आप अपने मिनिमम जो भी रहेगा उसको रख सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम दोनों में 2012 R2 रखते हैं, ठीक है, विंडोज सर्वर 2012, हमें और कुछ करना नहीं है, इसको हम RODC बना नहीं सकते हैं, इसलिए मेन डोमेन यही है, तो हम यहाँ पे टाइप डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड SRM पासवर्ड सेट कर लेते हैं, कभी भी मुझे रिस्टोर करना रहेगा AD, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई पासवर्ड रख ले सकते हैं, तो हम इसका पासवर्ड दूसरा रख लेते हैं, ठीक है, हम पासवर्ड सेट कर चुके हैं, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि डेलीगेशन फॉर द DNS सर्विस कैन नॉट बी क्लियर, तो हमने इसमें DNS भी बनाया नहीं है, तो उसी लिए एरर आ रहा है, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरीफाइंग नेट बायोस
name assigned by assigned to the domain and change is necessary. तो ये वेरीफाई करा नेट बायोस नेम, तो नेट बायोस नेम होता है जो हमारा डॉट कॉम जो डॉट से पहले होता है, तो हमारा इंडिया डॉट कॉम था तो नेट बायोस नेम इंडिया होगा, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है इस वेबसाइट लोकेशन ADDS डेटाबेस लॉग फाइल एंड सिसगोल फाइल। तो डेटाबेस फोल्डर का जो फोल्डर होगा विंडोज के अंदर NTDS के अंदर होगा, लॉग फाइल का भी यही होगा और सिसगोल का होगा windows/sysgol। ठीक है, तो हम आपको ये बताने चाहते हैं डेटाबेस का जो लोकेशन आपको तो पता है NTDS के अंदर, तो सिसगोल के अंदर क्या होता है GPIO का सेटिंग होता है, वो सारा चीज़ इसके अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि देखिए कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने स्क्रिप्ट इसका देखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट रख लीजिए, दोबारा उसे रन कर दे तो सेम सर्वर दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बारे में हम कभी आप दूसरा वीडियो बताएंगे तो आपको बताएंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसका जो प्री रिक्वेस्ट चेक है वो खुद ही चेक कर लेता है कि इसको जो जो चीज़ चाहिए था पहले से, जो जो चीज़ ADDS में चाहिए तो वो सारा चीज़ इसमें आ जाता है, चेक कर लेता है। देखिए मेरे पर ऑल प्री रिक्वेस्ट चेक सक्सेसफुली हो चुका है, तब हम इसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंस्टॉल होने शुरू हो गया है। तो ये देखिए वेटिंग फॉर DNS इंस्टॉलेशन के, ये अपने आप DNS इंस्टॉल कर रहा है और ये जब कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक एक बार रिस्टार्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो देखिए ये ग्रुप पॉलिसी चेक कर रहा है, यहाँ पर देखिए चेकिंग ग्रुप पॉलिसी मैंने कंसोल नीड टू बी इंस्टॉल क्रिएटिंग डायरेक्टिव पार्टीशन चेक कर रहा है, सारा चीज़ ये चेक करता है, उसके बाद ये इंस्टॉल करता है। और आप देखते जाइए, आपको इस पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कमेंट में पूछेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए मैंने आपको बोला था जब ये कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक द कंप्यूटर बिंग रीस्टार्टेड बिकॉज आई डेड डोमेन कंट्रोल वाज इंस्टॉल और रिमूव। तो ये बोल रहा है कि जो इंस्टॉल हुआ है तो देखिए ऑटोमेटिक अभी रीस्टार्ट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है, देखिए रिस्टार्ट होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 14 मिनट हो चुका है। तो मैं आज मैं आपको खाली एक ही यूज़र नेम पासवर्ड बना कर एक ही यूज़र क्रिएट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे स्क्रिप्ट से यूज़र क्रिएट करते हैं और बाकी सारे ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़र बनाते, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो अभी ठीक है, ये लोड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे यूज़र बनाते हैं।
ये काफी समय ले रहा है, 14 से 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड डालते हैं हम, सॉरी टाइप ही नहीं हुआ था। देखिए सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है। ठीक है, देखिए हमने इसमें अभी क्या इंस्टॉल किया, एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे टूल्स में क्लिक करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट होने दीजिए लोड को सर्वर मैनेजर को, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए टूल्स में क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे आ गया एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंटर, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल या विंडो पावर सेल, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। तो हम यूज़र एंड कंप्यूटर में क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इस डोमेन के अंदर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है बिल्ड कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर फॉरेन सिक्योरिटी मैनेज सर्विस, और यहाँ पे आ जाता है यूज़र। तो हम यूज़र पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है आपका, देखिए न्यू में जाएंगे, यूज़र में जाएंगे, यहाँ पर नाम लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे एक नाम बनाते हैं इसका, रोहित नाम से बनाते हैं। ठीक है, रोहित, लास्ट नेम कुमार रख देते हैं। ठीक है, यूज़र लॉगिन नेम रोहित के रख देते हैं। ठीक है, ये इसका यूज़र नेम हो गया। ठीक है, रोहित यूज़र नेम हो गया, लॉगिन यूज़र नेम, ये इसका डोमेन नेम हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड, तो हम यहाँ पर आते हैं यूज़र मस्ट बी चेंज, तो हम अभी वो नहीं रखते हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड में कर देते हैं। और यहाँ पर हम उसका पासवर्ड रख देते हैं india@1234। ठीक है, हाँ india@1234। तो देखिए हमने उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करें। तो दोस्तों देखिए हम यूज़र पे आते हैं, सॉरी थोड़ा, देखिए रोहित नाम का एक यूज़र बन चुका है। तो दोस्तों कल हम जब इसमें और एक सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कोई Windows 7, मैं आपको मैं उसका डोमेन जन करके लॉगिन करके दिखाऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप पूरा सीरीज आने वाला है विंडोज सर्वर 2012 का, तो आप हर एक सीरीज़ को देखिए अच्छे से, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको A to Z सारा चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।